हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शेख हाजिर हूं नए ब्लॉग में आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और कल मैंने आपको दिखाया था कितना नुकसान हुआ, पिजन्स का भी हुआ, कोकिल भी हमारा गया। अब क्या कर सकते हैं, जिंदा तो उनको कर नहीं सकते वापस। तो ठीक है, जो है अभी उनका हमें प्रॉपर ध्यान रखना है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। कुछ लोगों से मैंने पूछा भी क्या क्या देना है। और इस नौटंकी को देखो गाइस, मैं जैसे मैंने ब्लॉग चालू किया आँख खोल के देख रही गाइस ये, ठीक है, और ये नाटक कर रही कि मैं सो रही हूँ, एक भी काम मैं नहीं कराऊँगी। तो मत करा काम, तो आराम से सो जाए ब्लैक पेंथर, तेरे काम की जरूरत भी नहीं मेरे को। और ये हमारी फिशेस जितने ही मॉन्स्टर है वो इसके अंदर है। इसका लाइट अभी शायद फिर से ख़राब हो गया। मेरा ये रही ऑस्कर और शार्क वगैरह सा आ गया, कान भी साफ़ है। तो मैं सोल को बोल दूँगा, वो साफ़ कर देगा शाम तक, या अभी थोड़ी देर में कर देगा। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं जाता हूँ ऊपर, और जो पिजन्स है और क्या क्या है, कॉकटेल है, फिंचेस है और रेबिट्स, उनको मैं खाना वाना डालता हूँ और मैं आपको ऊपर जगह दिखाता भी हूँ क्या है। या तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे ये मिनी पॉन्ड के अंदर जो फिशेज है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, ये रहा हमारा मिनी पॉन्ड, इसके अंदर सारी फिशेज अलहमदुल्ला एक्टिव है सबकी सब। ये रहे मिल्की का पेयर, वो रहा ईल फिश, और जिस जितनी भी कोई फिशेज है वो सब भी एक्टिव है, किसी को कोई मसला नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी मैं जाता हूँ ऊपर और रैबिट्स को और पिजन्स को मैं डालता हूँ खाना। फिंचेस भी बेचारे भूखी है, कॉकटेल भी है बेचारा, एक कल अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई नहीं। तो मैं जाता हूँ ऊपर, है ना गाइस। मैं आ चुका हूँ ऊपर और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। तो ये देखिए अभी भी इसका यही हाल है। खैर ये काफ़ी एक्टिव है, अभी उसका हाल थोड़ा डाउन है, उसने गर्दन बिल्कुल नीचे गिर दी है। और ये हमारी फिंचेस के अंदर ही है, कॉकटेल लेके बचा, दाना पानी इनके पास सब कुछ है। तो सना तू लेके आ गई वो चारा, हाँ है ना, हम इनको डालते हैं रेबिट्स वगैरह को, इनको खोलते हैं गेट, चलते हैं ऊपर। हो बहुत तेज़ गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप लाइक सीधा मेरे फेस के ऊपर ही आ रही है। और किसी ने शायद इनका वो भी खोल दिया, मैं इसको ढक के गया था, इसको किसी ने हवा से या तो उड़ा हुआ है, इसको मैं इस तरह से ढक के गया था गाइस, और मैं पिजन्स को भी ढक के गया था। तो ये हाल है हमारे रैबिट्स का, इन्होंने पता नहीं चारे के साथ क्या खिलवाड़ किया, मुझे मालूम नहीं। ये देखिए गाइस इसके अंदर है, और मैं इनको जो चारा डाल के गया था, इन्होंने पता नहीं क्या हाल किया इसका। इनके पास है चारा काफ़ी मकदार में, मैं इसको यहाँ देता हूँ। सना तो इसको वापस रख दे, या तो इसके जो पिंजरा है ना अपना वाला, उसके पास रख दे, क्योंकि इनके पास है चारा, है ना, खा लेंगे लोग। तो चलो ये खा लेंगे इसमें से यार, पानी ठीक है, पानी भी ठंडा ही है, गर्मी है। और एक बार मैं इनका भी हाल देख लेता हूँ, अल्लाह करे सब ठीक हो। बहुत गर्मी है, मैं इनको शाम को ही खोलूँगा, अभी मैं बिल्कुल इनको खोलने की सोच नहीं रहा हूँ गाइस, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इनको खोल सकूँ अभी, और ना इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये बाहर आ सकें, और ना जल के हो जाएंगे ये राख। हाँ अभी सब अपनी अपनी जगह पर सेट है, ठीक है गाइस। और बच्चे भी सब हाल फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सारे बच्चे इधर भी सब सही है। दाना डाल दें सना इनको, वो दाने का डब्बा किधर है, अंदर किधर है देख एक बार किधर है दाना। अभी गाइस मैं इनको दाना वाना डालने लगा हूँ, सना गई है दाना लेने के लिए, देखते हो कब तक आती है। तब तक मैं एक बार इनका पेड़ों का हाल देख लेता हूँ। लिया दाना आ जा। और गाइस आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि हमारा जो पपाया का पेड़ था, पता नहीं क्या इसको नज़र लगी है, ऊपर का तो इसका ठीक है हाल फिलहाल, बट इसको पता नहीं नीचे से क्या हुआ है। सोल से पूछूंगा, और अभी मैं उसको रेस्ट करने दे रहा हूँ, मैं उसको परेशान नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात गाइस ये देखिए आप, रैबिट जो है इसके अंदर काफ़ी खुश है मिट्टी के अंदर अभी, और जगह भी काफ़ी अच्छी देखी, लेकिन ये गंदे क्यों हो गए इतने मिट्टी के अंदर। खैर इनकी मर्जी, जो चाहे करें, इनका घर है अभी। ये चारा मैंने फिर से साफ कर दिया, सना तो डाल देगी जाना। हाँ। कैसे डालेगी, कैसे बाउल में मत डाल, मत ये खोल। हाँ इसको खोल ले, हाँ इस पहले डब्बा खोल दाने का, देखिए ये जगह देख रही है, देखिए दाना खाया। हाँ।
हनी यहाँ डाल दे इनको दाना, एक मुट्ठी डाल दे, छड़ा मत यहीं डाल दे ऐसे ही। हाँ डाल दे यहीं पे, हाँ डाल दे इधर ही। हाँ रख दे, सब बुड़का मत, सीधे डाल दे डायरेक्टली। और डाल दे थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी है। और पानी डालना पड़ेगा। तो गाइस अभी क्या हुआ कि ये आईफोन जो है थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो इस पर लिखा हुआ लगा आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू यूज़ इट। तो मैंने इनको पानी उन्होंने डाल दिया है, ये देखिए पानी दाना उनको सब डाल दिया। अभी काफ़ी धूप है तो शाम को ही हम इनको खोल पाएंगे, अभी कुछ फ़ायदा भी नहीं है। चल सर हम चलते नीचे, है ना? तो ठीक है गाइस, हम चलते हैं अभी नीचे और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, जानवरों को भी रेस्ट करने देते हैं। मिलते हैं आपसे शाम के टाइम, उस वक्त खोलेंगे थोड़ा उड़ाएंगे भी इनको। सो गाइस अभी मैं आया था शाम को, मैंने जैसे आपसे कहा था कि दिन में धूप हो रही थी तो मैं खोल नहीं पाया कबूतरों को। और एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी उसका, एक तो कल मर ही गया था तो अभी जो है ना एक और मर गया है इसका भाई। और हमारा पूरा का पूरा जो क्लच बच्चों का निकला था वो ख़त्म हो गया, और उनमें सिर्फ एक बच्चा बचा, वो बच्चा भी शायद आई थिंक ये वाला है, यही बच्चा हमारे पास बचा। और विद द हेल्प ऑफ सोल फ्रेंड हमने आज एक नया कबूतर पकड़ा। कौन सा था? कल ये वाला था ना, देखा आज हमने अभी जस्ट अभी हमने 5 मिनट पहले बच्चा ये वाला कबूतर पकड़ा, और हमने आज पहली बार हमें कामयाबी मिली है। ठीक है, और एक बच्चा मेरा नीचे इधर बैठा है, शायद आपको दिख जाए। ये बैठा है, सुनो कहाँ है बच्चा अपना लाल वाला, देख बैठा है, बैठा है क्या? नहीं नहीं लाल बच्चा, लाल बच्चा इस पे। हाँ ये गाय नीचे साइड बैठा है अभी भी। तो खैर अभी देखता हूँ, या तो मैं इसको खुद लेके आऊँगा, और बाकी को मैंने खोल दिया है, कुछ उधर बैठे हैं कुछ यहाँ बैठे हैं, और एक ही उड़ी रही है, ये उड़ती रहती है। और इसकी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है अभी, ठीक है। बाकी मैं दिखाता यार हम आपको अभी थोड़ा सा, मैं ना कन्फ्यूज हुआ कौन कौन सा किधर किधर है। तो जो मैंने पकड़ा था ना गाइस वही, ये सब अपने बच्चे उड़ रहे हैं बोले, और ये है अभी जिसको हमने पकड़ा भी नया नया। तो चलिए गाइस अभी मैंने फिलहाल सारे कबूतरों को बंद कर दिया है, और खरगोशों को भी दाना वाना डाल दिया है। एक बार आप देख लीजिए आखिरी झलक इनकी आज की। और रेबिट्स जो हैं उनको भी मैंने अभी इसके अंदर रिलैक्स है, ये तो चलो अल्लाह को प्यारा हो गया, अब क्या कर सकते हैं जो अल्लाह को मंजूर था। अब मैं इस ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन मेरा निकल गया। हम लोग ना वो फीमेल भी लेने गए थे गाइस, क्या करें, तो फीमेल मिले नहीं। सोल से पूछ लो, सोल बता मिली थी कि नहीं मिली बता। हम लोग मार्केट गए तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे फीमेल दिखाए ना, पसंद भी नहीं आए, फिर इतना हाई रेट। मैंने कहा कोई नहीं भाई, हम लोग किसी से मंगा लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको भी यहीं ख़त्म करता हूँ, सारे गलत काम आज हुए हैं। मैं कल जल्दी उठूँगा और इनको सबको सुबह खोलता हूँ, और सभी को साथ रेबिट्स को, फिशर्स को, हमारी कैट्स को, और सबको एक साथ कल मैं सोच रहा हूँ खोल दूँ। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ ब्लॉग को, आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय।